दोस्तों ये मेरा डैशबोर्ड है होस्टिंगर एफिलिएट का। उसके बाद मेरी जो अर्निंग्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, $680 हैं। तो ये किस तरह किया है ये मैं आपको भी वीडियो पे आगे बताता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड एक नए प्लेटफॉर्म, नए मेथड को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग किसी एक नेटवर्क के ऊपर स्टिक होने का नाम नहीं है। एफिलिएट के बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करें और उसको प्रमोट करें जिसकी कोई ट्रस्ट हो, अथॉरिटी हो। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं वो है होस्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये होस्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसको आप किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो और किस ऑडियंस को आप ये प्रमोट कर सकते हो, इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा और डिस्कस करूंगा। तो गाइज जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे ब्लॉगर्स और इतने सारे ब्लॉगर्स क्रिएट हो चुके हैं और हो रहे हैं और उनको होस्टिंग की जरूरत होती है। इसी तरह वेबसाइट्स को बनाने के लिए भी होस्टिंग की बहुत सारी जरूरत होती है। तो आप किसी भी तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को चूज कर सकते हो जो रिलेटेड है, जो बनाना चाहते हैं वेबसाइट्स को, या फिर वो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप इस प्लेटफॉर्म को कहां पर यूटिलाइज कर सकते हो, वो है पिंटरेस्ट, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, आप मुख्तलिफ ऐसे ग्रुप्स में होस्टिंग सर्विसेज दे सकते हो और वहां पर आप देने के बाद, उनको बताने के बाद, उनका कोई रिव्यू देने के बाद आपको इजीली उसकी सेल मिल जाएगी। तो गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है रिकमेंडेशन, एक रिव्यू, ठीक है। यानी कि आप अपना एक कोई ओपिनियन दे देते हो कि यार मैं ये होस्टिंग यूज करता हूँ तो ये होस्टिंग मुझे अच्छी लगती है, अगर आप भी वेबसाइट बनाना चाहते हो या ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड दिस होस्टिंग टू यू, ठीक है गाइज। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और जाकर आपको सब समझाता हूं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं होस्टिंगर की मेन वेबसाइट के ऊपर, hostinger.com पर। और यहां पर आने के बाद आपको मैं ये चीज बता देता हूं कि वेब होस्टिंग्स की, ये वेब होस्टिंग की बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक कंपनी है और यहां से बहुत सारे लोग होस्टिंग्स परचेज करते हैं। तो कितना अच्छा हो कि लोग होस्टिंग्स यहाँ पे डायरेक्ट आके परचेज करते हैं, अगर वो आपके लिंक से इसको परचेज कर लें तो आपको भी इसका फायदा होगा और उनको भी इसका फायदा होगा, उनको डिस्काउंट मिलेगा और आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ से चलते हैं नीचे, देखें ये आप बहुत आसानी के साथ रीड कर सकती हैं, मैं इसके ऊपर नहीं आऊँगा। ये तो एक बेसिक चीज़ है ना कि जहाँ पर लोग आते हैं और आके परचेजिंग करते हैं, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड और ये सारी होस्टिंग्स के पैकेजेस होते हैं। अभी हम चलते हैं नीचे, जो हमारा काम है करने वाला वो ये है कि मैं यहाँ से बिल्कुल नीचे जाता हूँ और नीचे जाकर अभी हम क्या यहाँ पर देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखो यहाँ पर ये सारे प्लान्स भी शो कर रहा है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कितनी चीज़ें आपको डोमेन भी मिलती है और ये वो, ये बेसिकली आपने कस्टमर को तो दिखाना होता है ना। यहाँ पर नीचे आ गए, यहाँ पर देखो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन का सेक्शन आ गया। इंफॉर्मेशन सेक्शन पर नीचे देखो यहाँ लिखा हुआ है एफिलिएट प्रोग्राम, इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम से हमारा लेना देना है क्योंकि हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है इसके ऊपर। तो गाइज यहां पर देखो एफिलिएट मार्केटिंग पे आने के बाद ये पेज आपको ले जाएगा एफिलिएट्स के ऊपर, एक्सेस एफिलिएट प्लेटफॉर्म। अब यहां पर सिंपली आप अपने जीमेल आईडी के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हो और देखो यहां पर लिखा हुआ है अर्न एट लीस्ट 60% फ्रॉम एवरी सेल, प्रमोट अ ट्रस्टेड सर्विस लव्ड बाय मिलियंस, ज्वाइन एन एफिलिएट प्रोग्राम दैट वैल्यूज योर पार्टनरशिप प्रोग्राम। अच्छा गाइज पेमेंट मेथड मैं आपको बता देता हूँ, पेमेंट मेथड इसका पियोनीर है, पेपैल है, बैंक ट्रांसफर है, तो पेमेंट मेथड्स भी मैंने आपको बता दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं दूसरी जगह पर जो मैंने आपको असल चीज़ दिखानी थी। देखें यहाँ पर आप आए, आपने इसको ज्वाइन किया, जी मेल आई डी के साथ साइनअप किया, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आप एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो गए होस्टिंगर की, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, सेकेंडली मैं आता हूं अपने डैशबोर्ड के ऊपर और यहां पर चलते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। और यहां पर आने के बाद देखो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि ट्रैकिंग लिंक्स बेसिक्स टीयर 1 योर ट्रैकिंग, आप यहां पर आओगे ऑल ऑफर्स में। डैशबोर्ड में आने के बाद
ऑल ऑफर्स में आने के बाद देखो ये आपको इस तरीके से लिंक मिल जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर जो लैंडिंग पेज होगा, समझो कि अगर मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये इस लिंक को, ट्रैकिंग लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, और अब मैं इसको न्यू टैब में जाकर, यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। अब जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ कि देखो यहाँ पर जो ये जिस URL से मैं आया हूँ ये मेरा ही एफिलिएट लिंक है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एफिलिएट लिंक होगा, और वो जब कोई उससे क्लिक करके जाएगा कि होस्टिंगर की वेबसाइट पे और परचेज करेगा किसी भी होस्टिंग प्लान को, आपको उसका कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 65% से भी ज़्यादा आपको कमीशन मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर जिस तरह मैं नीचे आया, यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसी तरीके से ट्रैकिंग URL जो ये लोग आपको देंगे, इसको यहाँ पर आपने डैशबोर्ड में माई ऑफर्स में ऑल ऑफर्स में क्लिक करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, चाहो इसको छोटा कर लो, ये जब आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपका लिंक छोटा हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, और चाहो तो यहीं पर इसको क्लिक करोगे तो लॉन्गर हो जाएगा। ये आपकी अपनी मर्जी होगी, आप इसको चेक कर सकते हो। अब देखो ये पूछता है लैंडिंग पेज डिफ़ॉल्ट URL, हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, वरना ये पूछता है कि किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर यानी कि पेज के ऊपर लैंडिंग करा दे, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखो प्रीव्यू लैंडिंग पेज, ये उसी तरीके से शो कराएगा कि किस तरीके से जो बंदा आपके लिंक पर क्लिक करेगा उसको कैसा नज़र आएगा, तो वो वैसे ही नज़र आएगा, और उसको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, उसको डिस्काउंट मिलेगा और आपको कमीशन मिलेगी। तो गाइस बड़ा इजी है एफिलिएट मार्केटिंग करना, और ये होस्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग है, और यहाँ से जो मैंने अर्निंग की है वो भी मैंने आपको शो करा दिया। और मैंने अभी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी इसको सही तरीके से टाइम नहीं दिया। तो ये अर्निंग है, सोचें अगर टाइम दें तो कितनी अर्निंग होगी। सेकेंड वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है होस्टिंग की, उसका नाम है ब्लू होस्ट। तो गाइज हम ब्लू होस्ट को भी यहाँ पर यूटिलाइज करने लगे हैं ताकि आपके पास दो वेबसाइट्स आ जाएं, अच्छी ट्रस्टेड बड़ी वेबसाइट होस्टिंग की, ताकि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने में आसानी हो और लोग इन प्लेटफॉर्म्स को, ब्लू होस्ट और होस्टिंगर्स को पसंद भी करते हैं। गाइज यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखना bluehost.com affiliates, यहाँ पर सिंपली उसी तरीके से अपना अकाउंट बनाओगे आप जीमेल के साथ अपना, और नॉर्मल अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे, थोड़े टाइम में आपका रिव्यू करके उन्होंने आपके अकाउंट को अप्रूव कर लेना है। और जैसे ही अप्रूव होगा तो आपको आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा, और वहां पर आपको आपका एफिलिएटिंग मिल जाएगा जिसको आप प्रमोट करके कमीशन ले सकते हो। सेम वही प्रोसीजर जो ब्लू होस्ट में है, वही प्रोसीजर जो होस्टिंगर का है, वही ब्लू होस्ट का है। अब यहाँ पर देखो क्या कहते हैं कि यू विल गेट $65 फॉर ईच क्वालिफाइड साइन अप रेफरल एंड आर एफिलिएट सपोर्ट टीम विल बी Have to help you provide any guidance order. यानी कि $65 each qualified sign up referral के ऊपर आपको मिलेगा 65, और वहां पर 60 और 60, यानी कि ये इसी तरीके से चलता रहेगा 60-65%। तो होस्टिंग के जो सर्विसेज होती हैं उनकी प्रमोशन में ना आपका जो परसेंटेज मार्कअप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं कि हमें इसको कहाँ किस तरीके से प्रमोट करना है, तो वो हम चेक करते हैं कि हमें इसको कहाँ पे प्रमोट करना होगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ वर्डपैड के ऊपर, ताकि आपको इजी तरीके से समझा सकूँ। तो यूटिलाइज कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप कर सकते हो, आप कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, फेसबुक को यूटिलाइज करो, फेसबुक ग्रुप को यूटिलाइज करो, और इसके अलावा अपने को पेजेस भी बना सकते हो, ट्विटर को कर सकते हो, ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे जाकर पोस्ट्स करो, कमेंट्स करो, वहां पर भी इसको कर सकते हो, अपना लैंडिंग पेजेस भी यूज कर सकते हो। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हो, इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे पिन्स बनाकर प्रमोट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना लो, या व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपकी कोई थोड़ी कम्युनिटी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है उनके ग्रुप्स बना लो, और या फिर ऑलरेडी कोई ग्रुप्स हैं तो उनमें जाके भी आप कर सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप्स बना लो, या टेलीग्राम्स के ऑलरेडी ग्रुप्स हैं तो उनको यूटिलाइज कर लो, नहीं कर सकते तो टेलीग्राम के ग्रुप्स बना के उस पर भी कर सकते हो प्रमोट। और इसके अलावा आप यूट्यूब का चैनल बना सकते हो, यूट्यूब का चैनल जरूरी नहीं है कि आप फेस भी दिखाओ और वॉइस भी दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हो स्लाइड वीडियोस बना सकते हो यूट्यूब के ऊपर, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट वीडियोस में स्लाइड वीडियोस बना लो और उसको प्रमोट करना शुरू कर दो। तो देखना जब आपके बहुत अच्छे खासे व्यूज आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिलिएट सेल्स होती रहेगी। लेकिन बी श्योर कि आपने सिर्फ
उस चैनल को उसी की लिमिट तक रखना है। यानी कि अगर आपका चैनल यूट्यूब चैनल है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, यानी कि आई मीन यू आर गोइंग टू प्रमोट एफिलिएट सर्विसेज, तो फिर आपने सिर्फ एफिलिएट की प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करना होगा। अब देखिए, मेरा चैनल है ना डिजिटल हेल्पिंग, मैं आपके साथ यहाँ पर जो शेयरिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग के सारे मेथड्स डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर कोई ऑनलाइन अर्निंग से हट के वीडियोस बनाऊंगा तो ऑडियंस डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा ही है ना। तो मेरे भी यूट्यूब के और बड़े चैनल्स हैं तो वो, और वो फेसलेस भी हैं, तो वहां से भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। लेकिन ये जो मेरा स्पेसिफिक चैनल है, ये तो आप लोगों को सिखाने के लिए है और आप लोगों की गाइडेंस के लिए। तो आगे चलते हैं। इसी तरह से वेब होस्टिंग के आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, रिव्यूज दे सकते हो, इसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ईमेल की लिस्ट बिल्ड कर लो, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग करना बहुत इजी है, जीमेल से भी कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं मेरी वीडियोस के अंदर, तो वो आप उसको यूटिलाइज कर लो और उनके थ्रू जो है बल्क ईमेल्स भेज सकते हो और सब्सक्राइब अपना न्यूज़लेटर्स भेज सकते हो उस तरीके से। तो ये मैं भी इसी तरीके से करता हूँ ना, मैं भी इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया। तो होप आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आई होगी और आपको और मेथड्स और चीज़ों का पता लगा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब मेरी प्लेलिस्ट है डिजिस्ट्रो 24 के ऊपर, मेरी प्लेलिस्ट आपने देखी होगी फाइवर एफिलिएट्स के ऊपर भी, लेकिन मैं फिर भी ये आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, ज़रूरी तो नहीं है ना कि खाली कोई एक प्लेटफॉर्म दो प्लेटफॉर्म थोड़ी हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, बट बी श्योर कि प्लेटफॉर्म्स जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो और ट्रस्टवर्थी हो। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी, बहुत ज़्यादा बहुत काम आएगी अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हो। और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा देना, और हो सके तो जो लोग अर्निंग नहीं कर रहे उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना। टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।